एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, महातोहफा दिवाली का इससे बड़ा महातोहफा नहीं हो सकता। 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ देशवासियों को फ्री 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 मुफ्त राशन। और ये फ्री फ्री राशन नहीं, महीने दो महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए मुफ्त राशन का ऐलान मोदी जी ने कर दिया है। आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है उसमें प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है क्या क्या आपको इसमें मुफ्त में दिया जाएगा और किन किन लोगों को ये मुफ्त में दिया जाएगा। विस्तार से संवाद में चर्चा करूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र व मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र व मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव हो, या फिर भारत केंद्र व मोदी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा। भाइयों बहनों अगर मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, आवास योजना हो, या फिर आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो, कुछ भी ऐसा हो अगर मेरे साथ जुड़े हो तो नहीं कह पाओगे, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। और दूसरी बात भाई, सटीक दूंगा, भाई बहनों विश्वसनीय दूंगा, कहीं और ऑल ओवर इंडिया कंफर्म कर लेना। एक वर्ड तक पूरी वीडियो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक वर्ड तक गलत नहीं दूंगा। चैनल सब्सक्राइब की एक बार फिर अपील करते हैं, यह हमें अधिक हौसला भी हिम्मत देता है ताकि आप लोगों की इसी तरह सेवा कर पाएं। तो भाई 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त गेहूं चावल अनाज का ऐलान मोदी जी ने कर दिया है, 5 साल ये फ्री फ्री दिया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है, आज के उनके सभी के प्रमुख पृष्ठ जो उनका है, मेन जो पेज है, उस पर प्रकाशित किया गया। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन का ऐलान मोदी जी ने कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ और एमपी दो जगह ऐलान पीएम ने किया था कि पूरे देशवासियों को, सभी देशवासियों को मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि अब 5 साल और फ्री 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 राशन आपको दूंगा। किस योजना के तहत दिया जाएगा, कैसे आपको यह लाभ होगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। थोड़ा मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूं। 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना को 5 सालों के लिए बढ़ाया पीएम मोदी ने। मुफ्त राशन योजना 5 साल बढ़ाने का किया ऐलान, गरीबों के लिए 5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन। तो दोस्तों अब मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, मुफ्त राशन योजना क्या है, किस तरह इसका फायदा होता है। तो कोरोना काल के दौरान एक केंद्र सरकार मोदी जी ने ऐलान किया था कि भाई डबल राशन हम आपको देंगे। क्या ऐलान किया था, डबल राशन का ऐलान मोदी जी ने किया था और वो डबल राशन आपको दिया भी गया था। केंद्र सरकार या मोदी सरकार या जो भारत सरकार है, गेहूं, चावल, बाजरा जो खाद्यान्न पदार्थ है ना, ये आपको राज्य सरकारें नहीं देती। आप उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, मान लो सपोज दैट हरियाणा में, हरियाणा में क्या मिलता है फिर राशन कार्ड वालों को, सरसों का तेल 2 लीटर, चीनी 1 किलो और आपका गेहूं बाजरा, ठीक है। चीनी और जो सरसों का तेल होता है वो तो देती है राज्य सरकारें, और जो गेहूं और जो बाजरा होता है वो देता है केंद्र सरकार, भारत सरकार, ठीक है। यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश के अंदर जो अनाज दिया जाता है, जो चावल दिया जाता है, उसे राज्य सरकार नहीं देती, उसे केंद्र सरकार देती है, ठीक है भाई, समझ लेना। तो जब इन्होंने कोरोना जब आया था, मोदी जी ने ऐलान किया था कि भाई सबके काम धंधे बंद हो गए हैं, तो इसलिए हम डबल डबल राशन देंगे। अब जिस व्यक्ति का 20 किलो आता था उनको क्या हो गया, उनको डबल राशन मिलने लग गया। कितना मिलने लग गया, गुरुजी 20 की जगह 40 मिलने लग गया। ये जो डबल राशन था ये मोदी जी ने लगभग जो है केंद्र सरकार ने 2 साल पूरे कोरोना काल के दौरान दिया। फिर क्या किया, फिर आती है मुफ्त अनाज योजना या मुफ्त राशन योजना, जिसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये इसी महीने तक थी मुफ्त, जो फ्री वाली थी, कौन सी थी, जो केंद्र सरकार मोदी जी ने ऐलान किया कि भाई जो हम ये डबल आपको दे रहे हैं, अब हम ये डबल जो है आपको सिंगल करेंगे, जैसा आपको 47 से मिलता है। जब से राशन मिलना शुरू हुआ है सिंगल ही आपको मिलता था, जितना आपका बढ़ता था उतना ही आपको मिलता था। ये तो पहली बार इतिहास में कोरोना टाइम पीरियड के दौरान आपको डबल राशन दिया गया था, यानी 20 किलो वाले को 40 किलो दिया गया था। तो मोदी जी ने उस समय ऐलान किया था कि हम ये डबल राशन में इसको बंद करते हैं, अब कोरोना चला गया है तो साथियों डबल राशन बंद करते हैं, लेकिन जो आपको सिंगल मिलता है, जो आपको मिलता है उसको हम फ्री देंगे। यह उस वक्त मोदी जी ने ऐलान किया था, यानी आपको मिलता था 20-40 किलो मान लो, या आपको मिलता है 20 किलो, हम आपको दे रहे थे डबल 40 किलो, ठीक है। हम इस 20 किलो जो आपको एक्स्ट्रा दे रहे थे इसको तो कर रहे हैं हम बंद, ठीक है। ये 20 किलो तो क्या बंद, फिर मोदी जी ने क्या
कहा कि भाई ये जो 20 किलो है इसको अब हम फ्री कर रहे हैं, यानी इसका हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। कितना पैसा लिया जाता था? 1 किलो का 2 रुपये इसके लिया जाता था, यानी 20 किलो अगर आपको राशन मिल रहा है तो आपसे 40 रुपये लिया जाता था। तो ये फ्री, ये मुफ्त राशन किया गया है, अब इसे 2028 तक के लिए मुफ्त कर दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अधिक हौसला भी मत मिले। बहुत मेहनत की जाती है तब जाकर आप तक जो है ये सूचना, ये डाटा तैयार किया जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब आदमी कल्याण अन्न योजना के तहत पहली बार 30 जून 2020 को मुफ्त राशन देने की घोषणा हुई। योजना के तहत गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। इस योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता है। अंतिम बार इसकी जो अवधि थी बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक के लिए की गई थी। ये 2020 के अंदर मोदी जी ने ऐलान किया था, डबल राशन कर दिया था, ठीक है। तो अब जो है अब मुफ्त राशन 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया। जब इसकी जो है दिसंबर 2023 के लिए बढ़ाया था तो इसमें सिंगल एक राशन खत्म कर दिया था, सिर्फ एक छोड़ा था, सिंगल देंगे फ्री देंगे। तो अब मोदी जी ने कह दिया 2028 तक हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री आपको राशन हम देंगे। डबल नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गेहूं चावल अनाज जो सॉरी गेहूं चावल बाजरा अनाज जो भी खाद्य पदार्थ है जो भी केंद्र सरकार देने का काम करती है वो आपको फ्री दिया जाएगा। राज्य सरकार, अब जो राज्य सरकारें कहीं साबुन देती हैं राशन में, कहीं कुछ अन्य चीज़ें देती हैं, दाल देती हैं, वो सब जो है राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार उसके लिए अपने स्तर पर पैसा लेंगी और वो राज्य में अलग अलग भिन्न भिन्न जो है राज्यों में भिन्न भिन्न चीज़ें मिलती हैं। सभी पूरे देश के अंदर मोदी सरकार जो देती है गेहूँ चावल अनाज देती है, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी थी दिसंबर 2023 तक थी, अब इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो आज की प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। ये आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ में भी PM ने ऐलान किया, 80 करोड़ लोगों को देश भर में योजना का वर्तमान में मिल रहा है लाभ। PM ने कहा देश में सबसे गरीब सबसे बड़ी जाति और मोदी हर गरीब का भाई और बेटा है। PM मोदी ने चुनाव से 3 दिन पहले यह ऐलान किया है और इस 3 दिन पहले ऐलान से साथियों मास्टर स्ट्रोक इसे 2024 का माना जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। 2 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चा केंद्र सरकार का आने वाला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अब तक कुल 7 चरण में 1118 लाख टन, ये फिर उन्होंने बताया, ये 3,91,00,000 रुपए की सब्सिडी जो है आवंटन की है, ये फिर इन्होंने बताया है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मैं और समाचार पत्र आपको दिखाना चाहूँ। 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त राशन योजना को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत रोजी रोटी के लिए कमाने घर से दूर जाने वाले को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए देश भर में खाद्यान्न सुविधा मिलेगी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ONRC बोला जाता है। साथियों, अभी तो राज्य का कोई भी कहीं भी ले सकता है, किसी भी जिले का किसी भी ले सकता है, लेकिन अभी जो है पूरे एक राष्ट्र एक देश एक राशन कार्ड एक देश का अभी लागू ये नहीं कर पाए हैं। बहुत से राज्यों में अभी ऑनलाइन नहीं हो पाए, जैसे ही पूरे देश में ऑनलाइन होगा फिर आप किसी भी राज्य के कहीं भी गेहूँ या खाद्यान्न ले सकते हो जो भी आपको राशन में मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।